खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के बजट को खराब बजट कह रही है। वे अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करती है। पूर्व की कांग्रेस सरकार 5 साल तक भ्रष्टाचार में डूबी रही और लगभग 46,500 करोड़ के कर्ज में प्रदेश को डुबोया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी और अब कुछ कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, वे धीरे धीरे सामने आएंगी। कांग्रेस ने आय के साधन बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस का अतीत ही ऐसा रहा है कि उसने प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा कि केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या प्रदेश में रही हो, दोनों सरकारें माफिया की सरकारें थी और हर जगह लूट मची थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार पर माफिया पर अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, खासकर युवाओं को रोजगार प्रदान करने और किसानों के हित का ख्याल रखने के लिए ये बजट तैयार किया गया है। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है ताकि युवा खेती की तरफ मुड़े और अपनी आजीविका कमा सके। उन्होंने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारी घोषणाएं और धन का प्रावधान किया गया है जिससे रोजगार के साधन सृजित होंगे। तो कहेगी उनका धर्म है, पर ये जो बजट इस बार पेश हुआ है इसमें हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। बेरोजगारी से कैसे निजात दिलवाई जाए, कृषि के क्षेत्र में लोग जो युवा पीढ़ी है वो अपना मुख मोड़ रही थी, कृषि क्षेत्र में नई नई योजनाएं लोगों के लिए रोजगार के साधन, उसमें बहुत सारे साधन हैं जो लोग उसको अपना सकते हैं और उसमें अपनी आजीविका कमा सकते हैं। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारी घोषणाएं और उसमें प्रावधान किया गया है जिससे बेरोजगारों को बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके लिए भी बहुत सारे धन का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सड़कें ठीक हों उसके लिए बहुत सारा धन का प्रावधान किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भी सब्सिडी बढ़ाई गई है। सभी वर्ग के लोग जो हैं उनको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया है और इस प्रकार का ये पहला बजट है जिसमें आम जनमानस, गरीब, किसान, मजदूर और युवा, जिनका सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है और इस बजट की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, कांग्रेस का शासनकाल भ्रष्टाचार से 5 सालों में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने फैलाया है और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को 46,500 करोड़ के कर्जे में डुबाया है, कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म की बेतुकी बातें कर रही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी। बहुत सारे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के जो उनकी भ्रष्टाचार की बहुत सारी परतें खुल रही हैं वो आपके सामने। कपूर ने कहा कि सिंचाई और जन स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे धन का प्रावधान किया गया है। हिमाचल में सड़कों की दिशा सुधारने के लिए भी धन का प्रावधान किया गया है, साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग में भी सब्सिडी बढ़ाई गई है। कपूर ने हिमाचल की पहली इलेक्ट्रिकल टैक्सी को धर्मशाला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कपूर ने कहा कि धर्मशाला में हिमाचल की पहली इलेक्ट्रिकल टैक्सी चलने से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिल पाएगा। एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है जो इलेक्ट्रिक टैक्सी की है और इससे प्रदूषण में निश्चित रूप से कमी आएगी और आज जो एयर पोल्यूशन है जिससे कई किस्म की गंभीर बीमारियां हो रही हैं और लोग उससे परेशान हैं। शुरुआत के तौर पर इसको देखा जा रहा है और जिससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छी एक शुरुआत है।